असलमकम वरह वरक आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खुलाम नबी मद्दीन आज छब्बीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस है और आज दिन है जमेरात का इस वीडियो में फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं नई अपडेट्स नई डिवेलपमेंट्स और मालूम हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं नजर कराम फलस्तन और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद जंग चल रही है आज इस जंग का बीसवा दिन है इस जंग को 19 दिन गुजर चुके हैं नजर कराम ग लहूलह है गजा में इसराइल के दरिंदे मुसलसल वाशियाना बम्बारी कर रहे हैं और गजा में मुसलमानों की लाशें बिखरी पड़ी हैं गजा में वक्फे वक्फे से बम्बारी हो रही हैं न मस्जिदें महफूज़ हैं ना चर्च महफूज हैं न हॉस्पिटल महफूज हैं ना ही स्कूल महफूज़ हैं ना ही सड़कें महफूज हैं ना ही खैमे महफूज हैं ना ही लोगों के घर महफूज हैं और ना ही नजून कराम मार्केटें बाज़ार और दुकानें महफूज हैं हर तरफ खून ही खून है गज़ा जल गया है गजा लहू लहन हो गया है लेकिन अफसोस उम्मत मुसलिमा खब गफलत का शिकार है नजीन क्राम अमरीका का सदर जो बाइडन उससे सवाल होता है कि गजा में इसराइल नहाते लोगों को कतल कर रहा है इस पर आप इसराइल को रोकते क्यों नहीं हैं अमरीकी सदर जो बाइडन कहता है कि ये खबरें आ रही हैं कि निहत्ते लोग इसराइल की बमबारी में कत्ल हो रहे हैं लेकिन ये तो जंग की कीमत है लेकिन ज़्यादातर जो लोग इसराइल कहता है कि हम मारते हैं वो तो ए, उनके ऊपर हमला करने वाले हमास के लोग हैं ये अमरीकी सदर जो बाइडन का ताज़ा तरीन बयान है तो आप तस्वुर कर लें कि कैसे यहूदी और सलीबी मुसलमानों को तबाह करने के लिए मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए एक हो गए हैं मुतहद हो गए हैं नज कराम तुर्क सदर तयब उर्दवान ने अपने ख़िताब में गुजत रोज़ कहा कि ओ इसराइल ओ अमरीका ओ मगरब के यहूदी और सलीबियों तुम इस जंग को सलीब और हिलाल के दरमियान जंग ना बनाओ वरना इंसानियत को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और दगान ने कहा कि गज़ा के मुसलमानों मुसलमान बच्चों को कत्ल करने के लिए यहूदी रिबी अपने इसराइली फ़ौजियों को भड़का रहे हैं यहूदियों में से एक रिबी ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को और उनके बच्चों को कत्ल कर दो मुसलमानों को बच्चों को ज़्यादा कत्ल करो अगरचे तौरात में आम लोगों को कत्ल करने से रोका गया है लेकिन यहूदियों के बच मुसलमानों के बच्चों को अगर कत्ल किया जाएगा तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़े होकर जिहादी बनते हैं ये मुजाहिद बनते हैं ये इसराइल के लिए ख़तरा बनेंगे लिहाजा इनको कत्ल करते रहो यानी जैसे फ़िरौन ने यह कहा था कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो मेरी हुकूमत या तख्त को गिरा देगा तो उसने सारे बच्चे कत्ल करने शुरू कर दिए बिल्कुल इसी तरह से आज ये फ़िरौन की औलाद निहत्ते ग़ा के मुसलमानों को शहीद कर रही हैं तयब उर्दवान ने अपने खिताब में ये भी कहा था कि जो कुछ इसराइल कर रहा है इस आग से इसराइल ज़रूर जलेगा तयब उर्दवान ने खुल कर ये कहा था कि गज़ा फ़लस्तन अलकस ये बरसों से तुर्कों की हिमायत में था और यहूदी आज से 500 साल पहले तुर्कों से वो भीख मांगा करते थे कि हमें अपनी जमीनों में रहने की इजाजत दे दो तुर्कों ने यहूदियों को अपनी जमीनों में बसने की इजाजत दी उनकी हिफाजत की लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ ये सलूक किया ये हम मजीद चलने नहीं देंगे उर्दगान ने इस हवाले से यह कहा कि अगर यह जंग फोरी ना रोकी गई तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी और ne bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım ne Türkiye'vinde Amerika'da değerli kardeşlerim tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti İsrail'e gitme projemiz vardı iptal gitmeyeceğiz çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler bu gelişmeleri bir haçlı hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum. Aksi takdirde insanlığa yazık olur. Gazze'deki zulme gözlerini kapatan batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı sahtekarlığın dik halasından başka bir şey değildir. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır. Bugün öldürdüğü çocuklara ve masumlara destek vermek için İsrail'in ardından sıraya girenlerin hiçbiri göğsünü gererek böyle bir beyanda bulunamaz. Bunların hahamları da dahil. Nasıl ne kiram Türkiye'ye ilave? जो कतर है वो भी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो दरिंदगी है उसके खिलाफ खुलकर सामने आ गया है ईरान की जानब से भरपूर मज़ामत की जा रही है और ईरान के जो हामी मुसलह जमातें हैं उनके ताबड़ तोड़ हमले चल रहे हैं शैल के खिलाफ अमरीका के खिलाफ चोराजी मेरे सामने आज की बड़ी ख़बर है कि ईरान की प्रॉक्सी से जमातों ने शाम में एक मरतबा फिर जो अमरीका के फौजी अड्डे हैं उन पर हमला कर दिए हैं मेरे सामने इस वक्त की ताज़ा तीन बड़ी खबर है और इसी तरह से इराक में भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं और यही नहीं लबनान से हिजबुल्ला के जंगजू मुसलसल हमले कर रहे हैं नजिन कराम गजा में जो इसराइल की दरिंदगी चल रही है इसका जवाब फ़लस्ती मुजाहिदीन भी दे रहे हैं चराचे ये इस वक्त मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कि हमास के अलकसाम बर्गेड ने इसराइल के दारुहमत नबीब पर मिज़ाइलों की बारिश की है और गिलाफ़ ज़ा की कई यहूदी बस्तियों में और कई यहूदी फ़ौज के ठिकानों पर भी बमबारी की है और मिसाइलों की बारिश से इसराइल के यहूदियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है जी हाँ हमास को हमास की जानब से ग़ा पर दरिंदगी का जवाब भी दिया जा रहा है लेकिन मुसलमानों को कुछ करने की ज़रूरत है मेरे सामने एक बड़ा बयान है रूसी सदर वलादिमिर प्यूटन का उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ती में जो कुछ चल रहा है नहात्ते लोगों का जो खून बहाया जा रहा है ये अब ख़ते में हालात को मजीद ख़राब करेगा और जो निहत्ते लोगों का खून बहाया गया है इससे पूरा खत्ता पूरा मशरक़ वस्ती वो लहू लहान हो जाएगा जो रूसी सदर वलादिमिर प्यूटन हैं उन्होंने कहा कि ग़ज़ा में फौरी तौर पर जंग रोकी जाए ग़ज़ा में निहत्ते लोगों का कत्ल आम बंद किया जाए दूसरी तरफ नजर क्राम मेरे सामने जो आज की बड़ी ख़बर है अफ़ग़ानिस्तान से है अफगानिस्तान के जो वजीर अतलात हैं जिनका नाम मुला खैर ख़ैरखा है उन्होंने एक तकरीब में खताब करते हुए कहा कि इस वक्त दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों और इस्लामी ममालिक दरमियान ऐसा इंतशार फैलाया है कि आज फ़लस्तन के मासूम बच्चे और ख़वान शोलों में जल रहे हैं लेकिन आलम इस्लाम बिलखसूस अरब ममालिक तमाशा कर रहे हैं और अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम हमने कायम किया कुर्बानियाँ देकर और जल्द फ़लस्तनी मुसलमानों को भी आज़ादी दिलवाएंगे और अल्लाह उनको आज़ादी देगा ये फ़लस्तीन के वजी अतलात ने ये बयान दिए है। हैं इसके अलावा जो अफगानिस्तान के वज़ी अतलात हैं उन्होंने ये बयान दिए है इसके अलावा मेरे सामने जो एक और बयान है वह नसर क्राम अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं क़ारी फसीद्दीन फितरत उनका बयान मेरे सामने है उन्होंने कहा कि बैन अवी तनज़ीमों ने गजा में इसराइल के गैर इंसानी इकदाम पर और दरिंदगी पर आँखें बंद कर रखी हैं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि यहाँ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं लेकिन गजा में जो कुछ हो रहा है क्या वो इंसानियत की अल ऐलान नसल कुशी नहीं है क्या वो मुसलमानों की नसल कुशी नहीं है नजर क्राम खबरें य रही हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है इस हवाले से तुर्की ने कतर से ईरान से कुवैत से और इसी तरह से अलज़ायर से लीबिया से और आज़रबाईजान से और कुछ दीगर मुसलमान ममालिक से रबे शुरू किए हैं अगर अमरीका और यूरोप और मगरब वो सलीबी यहूदी लाओ लश्कर तैयार करेगा और ग़ा को मिटाने की और उस पर मुकम्मल कब्ज़े की कोशिश करेगा तो मुसलमानों का ये लश्कर भी तैयार है नजी कराम इस वक्त चंद एक ममालिक मुसलमानों में जो खुलकर गज़ा पर जो दरिंदगी है इसके खिला इसके खिलाफ खड़े हैं लेकिन मसला ये है कि अक्सर मुसलमान मुल्कों के, के पाओ में जंजीरें और गलों में गुलामी के तोक अमेरिका ने यूरोप ने साम्राज्य इस्तेमाली ताकतों ने डाल रखे हैं अफसोस ये है कि मुसलमान जुरत नहीं कर रहे हैं हालांकि अल्लाह ताला ने यह तो कहा है मुसलमानों के कि तुम हिम्मत तो करो तुम कुछ करके तो दिखाओ फिर देखना मेरी मदद कैसे आएगी कम मनफ़ीतान कलीलतिन गलफ़ीता कफ़ी आतन बेदनिल्ला कितने छोटे छोटे लश्कर थे जिनको हमने दुनिया के बड़े बड़े लश्करों के मुकाबले में फतह दिलाई और बड़े बड़े लश्करों को हरा दिया अल्लाह ताली कहते हैं कि व अनतमिला कत मुमिन कि अगर तुम अल्लाह पर यकीन यकीन कामिल रखते हो तो तुम ही कामयाब होगे लेकिन अफसोस मुसलमानों की तरफ से इस हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा है अब नजुन कराम मेरे सामने जो ताज़ा तरीन डिवेलमेंट है कि इसराइल का और अमरीका का और यूरोप और नैटो का खूनी मनसूबा है कि पहले मरहले में हम्मा से अपने कैदी रिहा करवाने हैं अब वो कैदी रिहा या तो मुसलसल बमबारी करके हमास को कायल किया जाए कि वो बम्बारी अगर रुकवाना चाहते हैं तो हमारे कैदी रिहा करें तो एक तो इस तरह से मनसूबे है कि हम माँ से अपने क़ैदी रिहा करवा लें और फिर गदर करके धोखा करके जो फ़लस्तीन का ग़ज़ा है उस पर हमला कर दिया जाए नैतन याहू का ताज़ा बयान आ चुका है और इसराइली हुकूमत के अंदर से ये चीज़ें आवाज़ें आ रही हैं कि गज़ा में ज़मीनी हमला किया जाएगा इसके लिए डिले ज़रूर होगा लेकिन फ़ौज लाओ लश्कर तैयारियाँ की जाएँगी और ग़ज़ा पर ज़रूर कब्ज़ा किया जाएगा दूसरी तरफ नाजन कराम ख़बरें ये हैं कि गज़ा के, के सत्रह हज़ार से ज्यादा मुसलमान जो वर्कर थे जो इसराइली इलाकों में काम करते थे उनको उनके लाइसेंस कतल ख़त्म कर दिए गए हैं और फ़लस्तान का जो वेस्ट बैंक का इलाका है अब्दिफा अलगरबिया वहाँ से मेरे सामने ख़बरें हैं कि वहाँ के तकरीबन एक लाख से जायद मुसलमान थे जो इसराइल इसराइली शहरों में मुख्तलफ तरह के ड्यूटियाँ सर अंजाम देते थे चूँकि फ़लस्तीियों के शहर हैं उन पर कब्ज़ा इसराइल ने कर रखा है बैतुलमक़दस पर कब्ज़ा इसराइल का है वहाँ पर यहूदियों का कंट्रोल है तो मुसलमान वहाँ पर किसी न किसी अंदाज़ में कोई काम करते हैं तो उनकी ड्यूटियाँ हैं तो बताया जाता है कि एक लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको इसराइल अपने हकूमती जो मुलाजमतें हैं उनसे वो निकाल रहा है और उनकी जगह पर इंडिया से और दीगर ममालिक से जो लेबर फोर्स है वर्क फोर्स है वो मंगवाई जा रही है खबरें ये आ रही हैं नाजुन कराम कि इसराइल को फ़लस्तियों से इतनी नफरत हो गई है कि ये जासूसी करते हैं ये बेशक हमारे इलाकों में रहें हमारे साथ बैठें हमारे इदारों में ये काम करें मुलाजमतें करें लेकिन ये हमारे खिलाफ हैं। तो इसलिए ये भी एक तरह से जबरी मुसलमानों को ख़त्म करने का मिटाने का मनसूबा है भारत नजुन कराम ये जंग चल रही है इस जंग में हम मास के मुजाहिदीन का दावा है हमारे हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं गजा के मुसलमानों पर जो दरिंदगी है इसकी कीमत है और इस दरिंदगी की का जो बदला है वो हम इसराइल से ज़रूर लेंगे जब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अपडेट्स और मालूम है जो आपके सामने फलस्ती और इसराइल की जंग के हवाले से रखी गई हैं मजदीद इस तरह की मालूम और खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी उसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों से नशर कर लें अपनी राय भी दिया करें और ये वीडियो जितना आगे नशर करेंगे उतना ही लोगों को फलस्तीन के बारे में हक़ मालूम होंगे इजाज़त दीजिए असल वरह लाबरक